तो चलिए अब बात यहां पर करते हैं। मौजूदा वक्त में राजस्थान से संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा नहीं है। ऐसे में राज्यसभा का उपचुनाव राजस्थान से कांग्रेस का संसद में खाता खुल सकता है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत का शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी चयन को लेकर विचार विमर्श हुआ। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार बनाने का राजनीतिक लाभ राज्यसभा में कांग्रेस को मिलेगा। मदन लाल सैनी के निधन के कारण रिक्त हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस को उम्मीदें हैं। वोटों के गणित में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे है। विधानसभा के कुल 200 सदस्यों में कांग्रेस के 100 एमएलए हैं, निर्दलीय 13 और एक आरएलडी विधायक का साथ है। ऐसे में अभी कुल विधायकों की संख्या 114 हो रही है। बीएसपी के 6 और बीटीपी के 2 एमएलए का साथ मिल सकता है। वहीं सीपीएम के 2 विधायक भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। उधर विधानसभा में भाजपा के 72 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक एनडीए के साथ जाएंगे। साथ ही 2 सीट खींवसर और मंडावा में उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन उम्मीदवार सामने आने पर चुनाव दिलचस्प हो सकता है और वोटों की जोड़ तोड़ के गणित सामने आ सकती है। उधर धारा 370 मसले पर बीएसपी ने एनडीए का साथ दिया है। कुछ निर्दलियों के इधर उधर होने से भी गणित बदल सकती है, लेकिन इस बात के अभी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। अभी संख्या बल से कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में भेजने के लिए राजस्थान को चुनेगा। कुछ नामों पर विचार शुरू हो गए हैं, जिनमें 2 प्रमुख नाम मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के सामने आए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कांग्रेस विधायकों के बीच से आई है। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। असम से राज्यसभा में थे, कुछ महीने पहले ही कार्यकाल समाप्त हुआ। राजस्थान से एक सीट पर उनका नाम भेजा जा सकता है। शीर्ष नेता और गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह की उम्र अधिक है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का नाम सर्वाधिक चर्चा में है। प्रियंका के नाम से कांग्रेसी जोश से भर उठेंगे। वहीं वे देश और राजस्थान के अधिकांश नेताओं की पसंद है और राजस्थान से उनके नाम पर स्थानीय नेतृत्व भी गंभीर है। लेकिन खुद प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने को लेकर तय करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र से आने वाले वासनिक किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावितों में भी वासनिक का नाम शुमार है। वासनिक राजस्थान कांग्रेस के लंबे समय तक प्रभारी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के नामों को लेकर चर्चा इस वक्त तेज है। ये बात अलग है कि किसी अन्य नेता के नाम पर भी दांव खेला जा सकता है। अन्य नेताओं में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दिल्ली दौरे में इस मसले पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से विचार विमर्श किया है। जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, इसके बाद बीजेपी की रणनीति सामने आएगी। वहीं कुनबे में कलह पैदा नहीं हो, इसके लिए थिंक टैंक तैयार है, लेकिन कुनबे को संभालना और खासतौर पर निर्दलियों को साथ रखना कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।